भाभी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। इकबाल भाई नहीं दिखाई दे रहे? वो बाहर गए हैं कहीं काम से। अच्छा, वो आए तो उनको बोलना कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आपको खाना मेरे घर पे खाना है। जी बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटी मर्जीना। जी अम्मी। आलू छिल रही हो? जी। बेटी। हाँ। ईद आ रही है। अच्छा, तो एक तसला मिट्टी लिया। मैं घर में चूल्हा बनाऊंगी। जी अम्मी, अभी लेकर आती हूँ। बेटी खेत में से मत लाना। जी। खेत से अलग मिट्टी लाना, ताकि किसी खेत वाले को बुरा ना लगे। जी अम्मी, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। देख, ओरा तसला और खुरपा। जी। जा जल्दी ला। ठीक है अम्मी। अरे इधर भी खेत है, ये भी खेत है। अम्मी कह रही थी कि खेत से मिट्टी मत लाना। अरे इधर क्या है? हाँ ये ठीक है, यहीं से ही ले लेती हूँ। चलो मेरा तसला तो भर गया, अब मैं चलती हूँ। मेरा घर, मेरा घर किसने बंद कर दिया? और मिट्टी भी खोद ली? कौन है वो कमबख्त? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो इसने मेरा घर बिगाड़ा है। देखती हूँ ये मिट्टी का क्या करेगी। अम्मी आ गई मर्जीना। जी अम्मी, मैं मिट्टी ले आई। ला मेरी बच्ची, जा तू घर की सफाई कर ले। हाँ और जी, मिट्टी में पानी मैं डाल देती हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मेरे घर की मिट्टी को गीला करेंगी? अभी मजा चखाती हूँ। अम्मी ने भी थका दिया, अब अपने आप बनाती रहेंगी चूल्हा उल्हा। मैं थोड़ी देर जाके अंदर आराम कर लूँ। आज बनाऊं कल बनाऊं, आज ही बना लेती हूँ। हैं, ये क्या कर रही है? तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग। ये तूने क्या हाल बना रखा है? और तू जमीन पे क्यों लौट रही है? मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। तो उठ के बैठ जा। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अरे मर्जीना बेटी, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं ना
नागिन हाजी सपेरा। ये देख तेरी अम्मी मिट्टी डाल डाल के गाने गा रही, इसको क्या हो गया? मैं नागिन तू सपेरा। अम्मी, ये आप क्या कर रहे हो? आपको क्या हो गया? तू क्या पूछती है? तू मेरी नजर से दूर हो जा। अब्बू, इन्हें क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो ये ठीक थी। बेटा, मुझे लगे तेरी अम्मी पागल हो गई। हैं? मुझे दुनिया वालों यूं पागल न समझो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अब्बू, ये अम्मी क्या कह जा रही है? बेटा, तू एक काम कर, तू जमजम का पानी लेकर आ, मैं इस पर अभी छींटे मारता हूँ, तब ये होश में आएगी। अभी जा, जल्दी ला। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे दुनिया वालों यूं पागल न समझो, ये बेटा। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी। अरे इकबाल के अब्बू, आप आ गए? हाँ, मैं तो बहुत देर से आ गया। ये क्या हुआ? ये मेरे ऊपर मिट्टी किसने डाली? अम्मी, हाँ? आप तो मिट्टी में पानी डालने को बोल रही थी, आपने सारी मिट्टी ही अपने ऊपर डाल ली। और ऊपर से गाने भी गा रही है टेढ़े मेढ़े से, अब मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। अजी, मुझे कुछ नहीं पता, खुदा की कसम ये कैसे हो गया। अम्मी चलो, मैं तुम्हें नहला देती हूँ और दूसरे कपड़े दे देती हूँ, आप उन्हें पहन लेना। बेटी, इसे नहला दे, जल खड़ी हो, इसे नहला दे और इसे नहलाने के बाद मुझे रोटी दे दियो। जी अब्बू, मैं अम्मी को नहला दूँ, फिर मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप इतने हाथ मुँह धो। ठीक है, मैं बैठा हूँ, जाओ। चलो ले जा। अम्मी, तुमने तो अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए। जी, क्या सोच रहे हो? इकबाल की अम्मी, मैं ये सोच रहा हूं कि इस साल हमें सुलेमान का खेत मिल जाता तो बड़ी अच्छी फसल हो जाती, साल भर का अनाज पैदा हो जाता। आप ठीक कह रहे हो इकबाल के अब्बू। अब्बू, मैं मर्जीना को लेकर दोस्त के यहाँ पर जा रहा हूँ। दोस्त के घर? अरे बेटा, सब खैरियत तो है? हाँ अब्बू, सब खैरियत है। वो मेरा दोस्त है ना नूरू। अच्छा, आज उसके लड़के का जन्मदिन है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। अच्छा, नूरू के बेटे का जन्मदिन है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बेटा, उसके बच्चे के लिए कुछ लेते जाना। हाँ अम्मी, हम उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जरूर जाएंगे। अम्मी, अब हम चलें? ठीक है बेटा, जाओ और जल्दी आ जाना। हाँ अम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ। चलिए, चलो। अच्छा, तो दावत खाने जा रहे हो तुम, मैं खिलाती हूँ तुम्हें दावत। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाना। अच्छा इकबाल की अम्मी, मैं भी चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या मेरे मौला। इकबाल भाई। हाँ बोलो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमारे बच्चे के जन्मदिन में आए। मर्जीना भाभी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आप हमारे घर तशरीफ लेकर आए। बेगम, अच्छी जी, शुक्रिया। तुम जाके खाने की तैयारी करो। ठीक है जी। सोनू भाई, तुम आयान को बाहर घुमा लो, बच्चा नाश्ता करते हुए परेशान करेगा। अच्छा इकबाल भाई, बोलिए। आप नाश्ता कीजिए, मैं जरा खाना देख के आता हूँ, बना की नहीं। ठीक है, मैं जरा देख के आता हूँ, उसके बाद केक काटेंगे।
ठीक है नूरू भाई, चलो नाश्ता करते हैं। लीजिए, आप लीजिए। चलो पहले मैं इन्हें नाश्ता कराती हूँ, फिर खाना, और बाद में इनका केक काटती हूँ। ये वाली कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। मर्जीना, केला क्या कोल्ड ड्रिंक में भिगो के खिलाया जाता है? तुझे दिखाई नहीं देता? सब लोग ऐसे ही खाते हैं। अबे पापे भिगो के खाते हैं, केला नहीं। जैसे हम नाश्ता करा रहे हैं वैसे ही करो, समझे? इसे तू खा ले, मैं तो बिस्कुट खा लेता हूँ। अच्छा बिस्कुट खाओगे, अच्छा अभी खिलाती हूँ। ये क्या कर रही है मर्जीना? खाओ बिस्कुट। मर्जीना तू ये क्या कर रही है, ये बिस्कुट नहीं अमरूद है। इकबाल जी, लगता है आप अंधे हो गए हो। मैं आपको बिस्कुट खिला रही हूँ और आप अमरूद बता रहे हैं। ले खा गोलगप्पे। अबे ये गोलगप्पा नहीं है, ये अमरूद है। क्या कर रही है मर्जीना? अबे गोलगप्पा नहीं, मैं तो समोसा खा लूंगा। समोसा खाना है? अभी खिलाती हूँ। ले ले ये भी पी, ये भी पी। मर्जी ने ये क्या बदतमीज है, सारे कपड़े खराब कर दिए। सारे कपड़े गंदे कर दिए। कैसा लगा मेरे हाथ का नाश्ता? आ गया ना मजा? वो आज तक अकल से अंधी थी, आज आंखों से भी अंधी हो गई। अरे क्या हुआ भाईजान, कैसे नाराज हो रहे हो भाभी पे? नाराज क्या नूरू भाई, इसने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। अजी मैं क्यों करती तुम्हारे कपड़े खराब, अपने आप करे होंगे। अच्छा ये सब मैंने करे, तू घर चल। अरे भाईजान केक तो कटवा जाते। नूरू भाई केक तुम अपने आप काट लेना, हम तो अपने घर जा रहे हैं, चल मर्जीना। अजी केक तो कटवाते जाओ। अबे तूने मेरा ही केक बना दिया, चल घर चल। अरे अरे इकबाल भाई, अरे सुनो तो। अरे सुन तो लो उनकी, वो क्या कह रहे हैं। गलती हो गई हमारे से। ऐसा क्या हो गया इनके बीच में? दिमाग खराब कर दिया, सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। अरे मर्जीना आगे बेटा। जी अम्मी। अरे इकबाल ये क्या हो तुझे, ये क्या हाल बना रखा है? अम्मी ये मेरा हाल तुम्हारी बहू ने बनाया। अम्मी खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। देख लो अम्मी, सब कुछ करने के बाद भी ये कह रही है मुझे नहीं पता। इसने वहाँ पर मेरी बेइज्जती करा दी, बेइज्जती। मर्जीना बेटी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाओ इसे दूसरे कपड़े दे दो, नहा के पहन लेगा। जी अम्मी। चलो जी, चल दे से कपड़े। सुनो मैं सज्जों के यहाँ जा रही हूँ, आ जाऊंगी मैं अभी। ठीक है। अब मेरे साथ के घर में घुसोगे? मैं कपड़े लेकर आती हूँ, जाओ बाथरूम में नहाओ। हाँ लिया कपड़े जा। कैसा आदमी पल्ले पड़ा, सारे कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से अकड़ हो रही है। चलो इकबाल मियाँ, आज हम तुम्हें स्पेशल स्नान कराते हैं। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और साबुन को जोर जोर से रगड़ना चाहिए। गाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरा दिल का गया करार रे, अब कौन बता। अजी ये क्या कर रहे हो तुम, बाथरूम से बाहर कैसे आ गए, और ये बाल्टी का पानी कहाँ गया? लाओ बाल्टी, मैं पानी लेकर आती हूँ, चलो बाथरूम में अंदर। छोड़ो मेरा हाथ, अम्मी देख लेंगी। ऐसे न छुड़ाओ भैया, और हम हैं तेरे सैया। अरे भाई इकबाल की अम्मी, बेगम। अरे अब्बू आ गए। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो सबको राहों में, और आ जाओ मेरी बाहों में। है?
इकबाल को क्या हो गया? ये तो मेरे भी शर्म नहीं कर रहा। जरूर उस पर कोई ना कोई साया है, वरना मेरा लौंडा तो ऐसा नहीं है। आजा मेरी बाहों में। छोड़ो, अभी देखता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا الله मेरी मदद फरमा। इकबाल, अरे छोड़ो, आज छोड़ो मेरा। मर्जीना, मैं यहाँ कैसे? तुम जल्दी से ना बाथरूम में चले जाओ, मैं पानी देती हूँ तुम्हें। हाँ मर्जीना, जल्दी से पानी दे दे, अब्बू ने देख लिया ना, बहुत मारेंगे। कौन है? हमने रोका, हमारे सामने आओ। ओ, तो तुम हो, तो तुम मेरे बेटे के शरीर में घुसी हुई थी? हाँ, मैं ही तुम्हारे बेटे के शरीर में घुसी हुई थी। क्यों घुसी हो मेरे बेटे के शरीर में? शरीर में? किससे बात कर रहे हो? अब्बू, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, किससे बात कर रहे हो? कौन हो तुम? सच सच बताना। मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? देखो, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, सच सच बता दो, वरना मैं दूसरा रास्ता भी जानता हूँ। मैं औरत नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? मैं नागिन हूँ। क्या, नागिन? पता नहीं हाँ। किससे बात कर रहे? तो मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? दुश्मनी तुम्हारे बेटे से नहीं, इस औरत से है। पहले इन सब के सामने आओ, तब तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा मैं। हाय अल्लाह, ये कौन है? इकबाल के अब्बू, ये कौन है जो अचानक से दिखाई देने लगी और अब्बू आती हुई भी दिखाई नहीं दी? आओ मेरे साथ आओ, फिर तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ मैं। अब्बू अंदर कहाँ ले? अरे है कौन ये? अब्बू अंदर क्यों लेके जा रहे हैं इसे? मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। अब्बू कौन है ये? खामोश, पहले मुझे इससे बात करने दो। ये बताओ, मेरे घर में कब से आ रही हो? जब से इस औरत ने मेरा घर बंद किया है। हैं? क्या? इसने घर बंद किया? हाँ हाँ, इस औरत ने मेरा घर बंद किया है। मैंने आपका घर कब बंद किया? अब्बू मैंने तो इनका घर देखा भी नहीं है। अरे बेटी, तुझे गलतफहमी हुई है, मेरी बहू तो किसी घर जाती नहीं है। देखो जी, मेरी मर्जी ना ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटी, तेरा घर है कहाँ? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, जंगल में मेरा बिल है। उस दिन ये औरत मेरे बिल से सारी मिट्टी ले आई और बाकी मिट्टी से मेरा घर बंद कर दिया। मैं जाती तो कहाँ जाती, इसलिए उस दिन मैं इसके पीछे पीछे इससे यहाँ पता लेने के लिए आ गई। और उस दिन आपके जिस्म के अंदर भी मैं ही घुसी थी और इस औरत के जिस्म में भी उस पार्टी में मैं ही घुसी थी। तो तू अब हमें मारेगी? इतना बड़ा बदला लेगी इतनी छोटी सी गलती का? खामोश! तुम किसी को घर से बेघर कर दो, तुम उसे छोटी सी बात कह रहे हो? मर्जीना, तुम इनसे माफी मांगो। बहन, मुझसे जो ये अनजाने में गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से कभी भी उस जंगल से मिट्टी नहीं लेकर आऊंगी। माफ कर दे बेटी, माफ कर दे, इसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। ना तो मैं मिट्टी मंगवाती और ना ये तुम्हारा घर बंद करती। चाहे तो तू मेरी जान ले ले,
मगर मेरे बच्चों को छोड़ दे। नागिन बहन, अब हमें बहुत सजा मिल चुकी है, हमें माफ कर दो। माफ कर दे बेटी, माफ कर दे, इन सबको माफ कर दे। इन सब की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं तेरा घर खोल जाऊंगा, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ूंगा। रुक जाओ अब्बू, एक तरफ मुझे अपनी बेटी कहते हो और दूसरी तरफ अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ते हो। लानत है ऐसी बेटी पर जो अपने बाप से हाथ जुड़वाए। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अब मुझे अपना घर बंद होने का कोई गम नहीं, मैं अनाथ थी, आज मुझे आप जैसा प्यार करने वाला बाप मिल गया और अपने बच्चों पर जान छिड़कने वाली माँ मिल गई। क्या मैं आपको अपनी माँ बुला सकती हूँ? मेरी प्यारी बच्ची, मुझे आज मेरी बेटी मिल गई, मेरी कोई बेटी नहीं थी, मेरी प्यारी अम्मी। हाँ, हाँ, बेटा, हाँ। अबू, अब मैं चलती हूँ, आप मेरा रास्ता खोल दो। अबू, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बेटी, बोल, बेतकल्लुफ होके बोल। क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकती हूँ? बेटा, ये तेरा घर है, जब चाहे आना, कोई रोक टोक नहीं। मेरी बच्ची, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू हमारे साथ रहे। नहीं अब्बू, हम नागों के भी कुछ उसूल होते हैं, मुझे जाना होगा, लेकिन जब मुझे आपकी याद आया करेगी तब मैं आपसे मिलने चली आया करूँगी। मेरी प्यारी बच्ची, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा तू करना। बहन। हाँ। अब तो तुम मुझे माफ कर, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। बहन नहीं, अब तो तुम मेरी भाभी हो। अच्छा, और अब तो मैं तुमसे नेग लिया करूंगी। देखो बच्चों, एक बात का जिंदगी में ध्यान रखना। जी अब्बू। कभी किसी का घर मत उजाड़ना, चाहे इंसान हो या जानवर, सब खुदा की मखलूक है। तो अब हम फिर मिलेंगे।